हे पीपल, वेलकम बैक टू टेक टिबिजेट चैनल। वार्निंग, फेक स्ट्राइक्स आए तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। पहले वाला वीडियो बनाया था, फिर भी ये बनाना पड़ रहा है। पता नहीं सभी यूट्यूबर्स को कैसे समझाऊं। फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स को रिमूव करने के लिए स्कैमर को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई बड़ा यूट्यूबर बोल देता है कि स्कैमर को पैसे देने के सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं है तो सब लगे हुए हैं, सिर्फ यही एक रास्ता है ऐसा ही समझ बैठे हैं। अरे फ्रेंड्स, एक बार सोचिए, यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अगर कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है तो क्या उनकी बेइज्जती नहीं है? बिलीव मी, यूट्यूब ने जो भी किया है ये 100% सही है। सो ये मत बताइए कि यूट्यूब ने यूट्यूबर्स के साथ बहुत गलत कर रहा है। डोंट ब्लेम ऑन यूट्यूब, यूट्यूब के रूल्स बिल्कुल सही हैं, बस यहाँ प्रॉब्लम स्कैमर से हो रही है। टीम यूट्यूब ये पूरी कोशिश करती है कि फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स किसी को ना आए। सच बता रहा हूँ, फेक कॉपीराइट स्ट्राइक से लेकर चैनल के हैक होने तक हर प्रॉब्लम को लेकर टीम यूट्यूब से रिक्वेस्ट करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ रूल सिर्फ इतना है कि इसमें आपकी कोई भी गलती ना हो। शुरू से मैं देख रहा हूँ हर यूट्यूबर यही बोल रहा है कि फेक स्ट्राइक्स का सोल्यूशन नहीं है, इसीलिए स्कैमर को पैसे दे दो। मुझे ये सुनकर बहुत ही दुख हुआ जब टेक यूट्यूबर्स भी यही बोलते हैं कि स्कैमर को पैसे दे दो। मैं किसी का नाम लेकर उनका एग्नेस्ट नहीं बोल सकता क्योंकि सब यूट्यूब गाइडलाइंस के एग्नेस्ट होगा। सो फ्रेंड्स, याद रखिए, फॉल्स कॉपीराइट स्ट्राइक्स आएंगे तो डरिए मत। सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट से फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स को हटा सकते हैं। फुल डिटेल्स में जाने के लिए मैंने इस बारे में ऑलरेडी से बहुत से वीडियोस बनाए हूँ, उस वीडियोस को भी जाके ज़रूर देखें। और जो बताते हैं कि पैसे दे दो सिर्फ यही एक रास्ता है, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास इसका सोल्यूशन नहीं हो तो एटलीस्ट आप पैसा देने के लिए इंकरेज मत कीजिए, प्लीज़। ये बहुत गलत है। ये सब मुझे भी फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स आएंगे, जिसने फेक स्ट्राइक्स रिमूव करने का सोल्यूशन बताया उस पर भी फेक स्ट्राइक्स आए हैं। तो याद रखिए, मेरे बारे में सोचकर अपना वक्त बर्बाद मत करो, अपने काम से काम रखो। मैं सिर्फ सबको हेल्प करने के लिए वीडियो बनाई है। मुझे स्ट्राइक्स आने के बाद क्या करना है ये मुझे अच्छे से पता है, और मुझे इंतज़ार है उन हेटर्स का जो मेरे अगेंस्ट वीडियोस बना के मुझे पॉपुलर कर देते हैं। ये एक वर्किंग ट्रिक है, इसको फॉलो करने के लिए मेहनत और पेशेंस की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, अगर इस बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए।